नमस्कार, आप देख रहे हैं रीजनल एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, राम मंदिर पर ट्रस्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। अयोध्या के संतों को नए ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है। नित्य गोपाल दास ने इसका विरोध किया है, बताया है कि अयोध्या का अपमान है ये नया ट्रस्ट। नित्य गोपाल दास ने कहा है, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, और नए ट्रस्ट को अयोध्या का अपमान बताया है। तो ट्रस्ट पर साधु संतों की नाराजगी सामने आने लगी है। नए ट्रस्ट के गठन को लेकर आपत्ति भी स्पष्ट रूप से सभी संतों में दिखाई देने लगी है। पहले वेदांति, फिर परमहंस और अब नित्य गोपाल दास का भी बयान आया है। आचार्य चक्रपाणी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है इस नए ट्रस्ट के गठन को लेकर, सदस्यों को लेकर। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास, और उन्होंने अपना विरोध किया है राम मंदिर पर ट्रस्ट को लेकर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, संतों का विरोध स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। नित्य गोपाल दास ने भी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या का अपमान है ये नया ट्रस्ट। महंत नित्य गोपाल दास राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। गोपाल दास ने दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। महंत नित्य गोपाल दास ने दोपहर 3 बजे संतों की बैठक बुलाई है। तो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने सरकारी ट्रस्ट में जगह न मिलने से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि दिगंबर अखाड़ा राम मंदिर के लिए सारी लड़ाई लड़ा और हम लोग राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरी जिंदगी लगा दिए। दिगंबर अखाड़े का नाम और न ही मेरा नाम है, ये अयोध्या वासियों का अपमान है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास जी के पास जो आ चुके हैं अयोध्या में, मराठी जो ट्रस्ट घोषित हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अयोध्या का अनदेखी की गई है, संतों का अपमान किया गया है, आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं दिगंबर अखाड़ा जो हम लोगों का सर्वमान्य अखाड़ा है, जिन्होंने आदि से लेकर के अभी तक वर्तमान तक सारी लड़ाइयां दिगंबर अखाड़े लड़ी, हम लोग भी हमेशा से ही दिगंबर अखाड़ा के साथ में रह करके सारी लड़ाइयां हम लोग जिंदगी बिता दी उसी के लिए। न दिगंबर अखाड़ा का नाम है, न हमारा नाम है, कहीं भी नाम निशान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अयोध्या वासियों का अपमान किया गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए कोई संतों की बैठक होगी? हाँ, दिगंबर अखाड़ा के श्री मेन जी का कहना है कि हम संतों को मिला करके इस हमारे अयोध्या वासियों के साथ जो दुर्भाव किया गया है उसका प्रस्ताव लाएंगे। उसका प्रस्ताव लाएंगे। हमारे पास दिगंबर अखाड़े के श्री महंत सुरेश दास जी भी बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का प्रस्ताव लाने वाले हैं, कैसी बैठक होने वाली है? न्यास जो बना है उसमें अयोध्या के संतों का अपमान किया गया है। जो आंदोलन अयोध्या के संतों ने किया, लेकिन आज जब न्यास बना तो उसमें अयोध्या के संतों को नहीं रख करके जो आंदोलन से बाहर थे उनको रखा गया है, इसलिए बहुत बड़ा अपमान किया गया है। आज हमारी 3 बजे सभा है, उस सभा में हम लोग विरोध करेंगे, इस न्यास को नहीं मानते हैं। तो ये हैं श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जो कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत निर्णय हुआ है, और जो है दिगंबर अखाड़े के श्री महंत सुरेश दास जी भी जो है काफी खफा है, और 3 बजे इसकी बैठक हो रही है जिसमें ये तय हो जाएगा कि किस तरीके से जो ट्रस्ट है अगर उसमें सही नाम नहीं जाता है तो संत जो राम मंदिर आंदोलन जुड़े हुए जिनकी अनदेखी की गई है वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। आज 3 बजे बैठक में ये निर्णय करेंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या। राम जन्मभूमि के मुख्य प्रचारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित ट्रस्ट में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। कुछ ऐसे भी नाम आए हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी के पास, पुजारी जी, जो ट्रस्ट केंद्र सरकार ने घोषित किया है उसमें सूची 15 लोगों की आई है, इसमें राम मंदिर आंदोलन के लोगों का कहीं ना कहीं अनदेखी गई, जिससे यहाँ के संतों में कहीं ना कहीं रोष भी दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जरूरी रहा, यहाँ के संतों को आंदोलन में जुड़े रहे और आंदोलन करते रहे। कुछ तो ऐसे हैं जो इस आंदोलन से आज उनका वो पूरे जीवन उनके समर्पित रहा, आज नहीं है लेकिन उनके प्रतिनिधि लोग हैं। कम से कम इस पर तो सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए था कि जो लोग इस राम मंदिर से आंदोलन से जुड़े थे, आज नहीं बहुत पहले से, उनको उनके प्रतिनिधि को इसमें लेना चाहिए था। और जिस प्रकार से
अयोध्या में अयोध्या के संतों की उपेक्षा हुई है वो वस्तुतः उचित नहीं है। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उपेक्षा संतों की वहाँ हुई। राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास जी को और सबको उम्मीद थी कि वो न्यास में आ सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं। दिगंबर अखाड़ा जो है प्रमुख केंद्र रहा है राम मंदिर आंदोलन का, तो उनको भी नहीं रखा गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इन लोगों को बहुत जरूरी रहा और ये आशा रही कि कम से कम सलाका पुरुष श्री रामचंद्र दास प्रधान जी महाराज थे, उनके उत्तराधिकारी सुरेश दास जी हैं, उनको होना चाहिए था। और न्यास के अध्यक्ष के रूप से श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज वो अभी तक करते चले आए हैं, इसलिए उनको होना चाहिए था। अभी जो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, इससे आशा जगी थी कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जरूर इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन उनको भी नहीं किया गया। यह संतों में निराशा आई। दूसरी चीज़ है कि जो सूची दाखिल हुई है ट्रस्ट की, उसमें तीन अयोध्या के लोग लिए गए हैं, जिसमें एक डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं और राजा अयोध्या में मिले मोहन प्रताप मिश्रा हैं, दिनेंद्र यादव हैं। इनमें किनको आप जानते हैं? डॉक्टर अनिल मिश्रा को आप जानते हैं? जानता हूँ, यहाँ के राजा हैं, उनको जानता हूँ। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो नाम है, जानता अनिल मिश्रा मैं जानना ही जानता हूँ कौन है। ये तो जब सामने आया तब पता चला कि कोई अनिल मिश्रा है और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। अब उन्हें रिसीवर भी बनाया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, और उन्हें चार्ज भी दे दिया गया है। तो आप भी बरसों से 20 वर्षों से वहाँ पे पुजारी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो है उनको रिसीवर बनाना उचित था? देखिए, रिसीवर सरकार जो बनाई है उसको सभी को मानना पड़ेगा। जो भी रिसीवर अभी तक पदेन मंडलायुक्त रिसीवर होते थे, कई मंडलायुक्त आए, कई गए, और पदेन उन्होंने इसको संभाला जी 27-28 वर्षों से। अभी आ गए हैं, इनकी भी कार्यकारी देखा जाएगा कि इनकी संचालन की व्यवस्था और किस रूप से एक रिसीवर के रूप में होती है, उसको देखने के बाद पता चलेगा कि इनका संचालन किस रूप से होता है। और सबसे अंतिम बात, जो ट्रस्ट बन गया है, अब राम मंदिर भी बनने जा रहा है, बताया जा रहा है कि रामनवमी से ही बनना निर्माण शुरू हो जाएगा। आप 20 वर्षों से पुजारी हैं, तो नए राम मंदिर में ही आप पुजारी होंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी हम पुजारी हैं और सेवा करते चले आए हैं। राम मंदिर बनेगा, अभी तो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई है कि पुजारी कोई दूसरा होगा। मैं आशा करता हूँ कि जब ढांचा था तब भी हम पुजारी थे, भगवान राम 6 दिसंबर को त्रिपाल में गए तब भी हम पुजारी हैं अभी तक, और आशा करता हूँ कि जो भव्य मंदिर बनेगा उसमें भी हम पुजारी रहेंगे। तो ये है मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी रामलला के। वो कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट की सूची शामिल की गई है, जिसमें अयोध्या के तीन नाम आए हैं, उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, और लेकिन अब जब बनाया गया है तो वो स्वागत ही कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं राजा अयोध्या में मनमोहन सिंह, वो राजनीतिक पार्टी से रहे हैं, और जबकि पहले घोषणा की गई थी कोई राजनीतिक दल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। और आने वाले दिनों में लगता है कि इसका भी मुद्दा बन सकता है, और राम मंदिर जब भी बनेगा तो पुजारी जी की इच्छा है कि अभी भी वो रामलला के पुजारी हैं, और जब नया भव्य राम मंदिर बने उसमें भी वो रामलला के पुजारी रहे। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव अयोध्या। इनकी संचालन की व्यवस्था इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि अनदेखी की गई है, साथ ही ये भी कहा गया है कि कई ऐसे नाम हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं।